की मशहूर तल अल हरीफ की मशहूर आइसक्रीम है मॉल तलब अल हरीफ, खाकर बताते हैं इसका टेस्ट। स्टिकर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड चॉकलेट, वाओ गाइस, ये नाइल कॉटेज है यहाँ पर अवेलेबल और यहाँ से हम लोग बोट पे सफ़र करेंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है वॉकिंग के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है, इसके अलावा खाने पीने की जगहें हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ से कि बस क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और नाइल के साथ तो फिर क्या ही बात है, मौसम हवा सब चीज़ें ज़बरदस्त। और ये मेरा कम देख सकते हैं बोट, ये भी साथ है, इस तरह की कई बोट हैं, हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सी वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसके साथ हम इसके साथ सफ़र करेंगे और इन्जॉय करेंगे कायरो की अपने सफ़रनामे को, इजिप्ट को, और याद रखेंगे इसको अपनी मेमोरीज़ के अंदर। इन्वायरमेंट है ये आपको क्या बताऊँ, ये लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकता कि जब आप यहाँ पर आएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को कि काहिरा कायरो इजिप्ट क्या है, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ ही ज़बरदस्त। अरबिक कल्चर जो कि मुझे भा गया, लोग खाने डिशेस रहना लाइफ स्टाइल बहुत बहुत अच्छा और प्लेजर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ इजिप्ट, आई लव इजिप्ट। दिन हम जा रहे हैं तुर्की और इजिप्ट को कह रहे हैं गुड बाय इजिप्ट, और इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट की जानिब गामजन हैं, इजिप्शियन एयरपोर्ट जो कि है टर्मिनल 1 कायरो का, वहां पर जा रहे हैं और छोड़ दिया है, चेकआउट कर दिया होटल को, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा, होटल बहुत अच्छा था। और इस वक्त गाड़ी में अवेलेबल हैं गीज़ा से कायरो की जानिब, और बाकी एयरपोर्ट पहुंचकर आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर मामलात कैसे रहे और एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट कैसा है। और इस वक्त बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे तुर्की के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑनलाइन चेक इन कर लिया है, तमाम चीज़ें कंप्लीटेड हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा मंजर पेश करता है हमें तुर्की।